वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज, मैं विकास। आज हम लोग राजेश मेहता के बारे में बात करेंगे। राजेश मेहता राजेश एक्सपोर्ट कंपनी के ओनर है। कैसे राजेश मेहता ने महज 30 सालों में 2,00,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। इनकी कंपनी इतनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि टोटल वर्ल्ड में 3500 टन सोना प्रोसेस होता है और जिसमें 1000 टन सोना प्रोसेस केवल इनकी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट करती है। इनके बारे में डिटेल जानेंगे और सीखेंगे इनके सफलता से। आइए सबसे पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 20 जून 1964 में बैंगलोर में हुआ था। इनके पिताजी गुजरात से थे, लॉर्ड मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी प्राइवेट फर्म में काम करते थे। बाद में इन्होंने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया स्टोन ट्रेडिंग का, राजेश डायमंड के नाम से। राजेश मेहता का स्कूलिंग संत जोसफ स्कूल से हुआ। ये डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन इन्होंने बाद में फैमिली बिजनेस को चुना। सबसे पहले इन्होंने सिल्वर ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। ये चेन्नई से सिल्वर खरीदते थे और इसको राजकोट में सेल करते थे। कुछ दिनों ये अच्छा चलने लगा, कुछ दिनों के बाद ये गुजरात से सिल्वर बल्क में लाने लगे और इसको बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में बेचने लगे। इनका सिल्वर का बिजनेस काफ़ी चलने लगा क्योंकि शुरू से ही राजेश मेहता काफ़ी मेहनती थे और क्वालिटी कॉन्शियस थे। ये क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। सिल्वर का बिजनेस सक्सेसफुल्ली होने के बाद ये 1989 में गोल्ड के बिजनेस में इन्होंने अपना कदम रखा राजेश एक्सपोर्ट के नाम से। 1989 में इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट के नाम से इन्होंने 10 वर्कर के साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैंगलोर में सेटअप किया। इसमें ये गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग करने लगे और बेचने लगे। उसके बाद इन्होंने गोल्ड का एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर दिया। ये गोल्ड को बहुत सारे कंट्री में भेजने लगे, जैसे दुबई, कुवैत, ओमान, US, यूरोप भेजने लगे। 1992 के अंत तक इन्होंने 2 करोड़ का टर्नओवर कंप्लीट किया। 1992 से 1995 तक इन्होंने सफलतापूर्वक गोल्ड का एक्सपोर्ट किया। इन्होंने अपना IPO 1995 में लिस्ट करवाया। धीरे धीरे ये अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाते गए इंडिया और इंडिया से बाहर। अभी इनके पास 7 से 8 कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 40 से 50 कंट्री में गोल्ड का ATL का काम है। सबसे ज्यादा इनका नाम तब हुआ जब इन्होंने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनिंग यूनिट खरीदा जो कि बालकम्बी के नाम से स्विट्जरलैंड में है। गोल्ड के परस्पेक्टिव से अगर बात करें तो बालकम्बी का नाम ही एक ब्रांड है। यहाँ पर बहुत से देशों की सरकार सोना रिजर्व बालकम्बी का ही सोना रिजर्व रखती है। इनके कंपनी का अगर टर्नओवर की बात करें तो अभी इनके कंपनी का टर्नओवर 2,00,000 करोड़ से ज्यादा है। अभी हम बात करेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। राजेश एक्सपोर्ट पहले की तरह केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, अभी ये सोना का जितना भी टोटल प्रोसेस है ये खुद करते हैं। सबसे पहली बात करें माइनिंग का, ये सोना का खनन भी खुद करते हैं। दूसरा नंबर चीज प्रोसेसिंग का, ये उस सोना को खनन करके पूरा प्रोसेस भी करते हैं। और तीसरा जो सेफ का काम है, सेफ का काम भी ये खुद करते हैं। सेफ के बाद जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो क्लीनिंग भी करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिजाइनिंग पर। पांचवा प्रोसेस है डिजाइनिंग। इनके पास अभी इनके पोर्टफोलियो में 29,000 से ज्यादा एक्टिव डिजाइन है। टोटल पूरे 25 से 30 साल में इन्होंने अभी तक लगभग 10 लाख से ज्यादा डिजाइन बना दिया है। लेकिन अभी इनके पोर्टफोलियो में 29,000 से ज्यादा डिजाइन है। मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करते हैं और रिटेल भी करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में सबसे सस्ता सोना, अगर हम लोग के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि बाकी चीजें चीन सस्ता बना सकती है लेकिन सोना के मामले में अगर बात करेंगे तो राजेश एक्सपोर्ट से सस्ता कोई चीनी कंपनी में नहीं बनाती है। इनकी कंपनी इतनी बड़ी है, इसका अंदाजा हम लोग इससे लगा सकते हैं कि टोटल वर्ल्ड में 3500 टन सोने का प्रोसेस होता है जिसमें ये अकेले 1000 टन सोना प्रोसेस करते हैं। अगर इंडिया की बात करें हम लोग तो इंडिया में पूरे साल में 950 टन सोना कंज्यूम होता है और केवल राजेश एक्सपोर्ट 1000 टन सोना को प्रोसेस करती है। तो आप इससे कंपनी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी नंबर बात यह है कि ये सबसे सस्ता सोना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं क्योंकि इनका खनन से लेके और लास्ट एंड प्रोडक्ट तक सारा काम ये खुद करते हैं। भारत में नहीं, पूरे दुनिया में इनके अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और अलग अलग इनका रिटेल चलता है। सबसे पहले है कि अभी ये शिव ज्वेल्स के नाम से 80 से 82 रिटेल स्टोर भी इनके हैं। अभी इनका अगला जो 10 से 15 साल का टारगेट है कि पूरे दुनिया में 1500 यूनिट और केवल इंडिया में 2000 यूनिट, दोनों मिलाकर 3500 ये रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं, जिससे ये चाहते हैं कि सोना सस्ता सस्ता और ज्यादा से ज्यादा डिजाइन लोगों को मिल पाए। इसीलिए
शुभ ज्वेलर्स अब धीरे धीरे बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है, अभी एक टॉप 500 फॉर्चून कंपनी में शामिल है। इंडिया में जो टॉप 7 फॉर्चून कंपनी है उसमें कुछ सरकारी कंपनी है, रिलायंस है और राजेश एक्सपोर्ट भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजेश एक्सपोर्ट कंपनी है राजेश मेहता की, ये फुल्ली डेप्थ फ्री कंपनी है, इनके कंपनी पर एक रुपया का भी कर्जा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो इन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन अगर इनसे 25 साल पहले इनके कंपनी में और कोई शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा तो अगर वो 1000 रुपया लगाया तो उसका अभी 300 गुना यानी कि 3 लाख रुपया तक उसका वैल्यू बढ़ चुका है। खुद तो बड़े बने ही, बाकी इनका शेयर होल्डर को भी इन्होंने बड़ा बनाया। इनका हमेशा से एक ही चीज़ कहना है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आपको सफलता से पहले भी मेहनत करना चाहिए और सफल होने के बाद ही मेहनत करना चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, ये इनका हमेशा से कहना है। थैंक यू वेरी मच।